नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम, 92 लाख से अधिक कोरोना मरीज हुए ठीक। 80 वर्ष के हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, पीएम मोदी ने कहा भगवान अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। किसान आंदोलन में देशद्रोह के आरोपियों की रिहाई की मांग, आंदोलन के हाईजेक करने के आरोप। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश, आने वाले दिनों में बढ़ सकती है जोरदार ठंड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर धरने पर बैठे मेयर, बोले फुटपाथ से चलेगा एमसीडी ऑफिस। किसान आंदोलन के बीच वेस्ट यूपी में सीएम योगी का पहला दौरा आज, मुरादाबाद में करेंगे मंडल समीक्षा। वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, काशी विश्वनाथ धाम से संग्रहालय निर्माण शुरू, धर्मनगरी के गौरवशाली इतिहास से कराएगा रूबरू। अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल होंगे 343 गांव, मथुरा वृंदावन के लिए बड़े प्रस्तावों को यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बनेगा धर्मार्थ कार्य विभाग, काशी में निदेशालय और गाजियाबाद में होगा उप कार्यालय। यूपी में 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ, योगी कैबिनेट ने दी निर्माण की अनुमति। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी, ट्रंप बोले 24 घंटे के अंदर पहले नागरिक को लगेगा टीका। इजराइल सरकार ने की पर्यटन बढ़ाने की कोशिश, यहां 300 सीटों वाला बनेगा ओपन थिएटर। मून मिशन 2024 के लिए चुने गए भारतीय मूल के राजा चारी, इस मिशन में पहली बार चांद पर महिलाएं भी जाएंगी। साउथ अफ्रीका की कंपनी ने वैक्सीन के लिए बनाया हीलियम कूल्ड केस, बिना पावर सप्लाई -150 तक रहेगा तापमान। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ के पार, 15.91 लाख लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना के बीच इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप आज से शुरू, मैदान में उतरेंगे 25 भारतीय रेसलर। 10 अप्रैल के बाद होगा आईपीएल के नए सीजन का आगाज, 3 वेन्यू पर हो सकते हैं मैच। लिएंडर का ओलंपिक पर फोकस, पेस ने कहा मैं भारत का नाम इतिहास में दर्ज करना चाहता हूं। टेस्ट टीम से जुड़ेंगे रोहित शर्मा, 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए होंगे रवाना। विंबलडन चैंपियन टेनिस हॉल ऑफ फेम एलेक्स ओलमेंडो का निधन, 84 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत का 70वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी को बताया असली दिलवाला, कोरोना काल में की गई मदद के लिए किया सम्मान। संजय दत्त के ड्रग एडिक्शन पर बेटी त्रिशाला का खुलासा, बोली उन्हें हर दिन इससे लड़ना पड़ता है। स्टीव जॉब्स की बेटी ने रखा मॉडलिंग की दुनिया में कदम, सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीरें की शेयर। कोरोना संक्रमित होने पर बिग बॉस 10 फेम साहिल आनंद के हाथ से निकले 2 बड़े प्रोजेक्ट, बोले अब नए काम की तलाश में हूँ।